नमस्कार, स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हटाए जा सकते हैं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल। जेपी अग्रवाल और कमलनाथ के बीच नहीं बन पा रहा है समन्वय। और राहुल गांधी के करीबी दो युवा नेताओं का नाम दौड़ में सबसे आगे है। समन्वय ठीक नहीं होने के चलते जेपी अग्रवाल एमपी का कम दौरा कर रहे हैं। सिर्फ दो बड़े नेताओं के दौरे के दौरान ही दिखाई देते हैं जेपी अग्रवाल। ये बड़ी जानकारी एमपी सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जेपी अग्रवाल और कमलनाथ में समन्वय नहीं बन पा रहा है, कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है और पिछले कई महीनों से एमपी का दौरा कम कर रहे हैं जेपी अग्रवाल। और राहुल गांधी के दो करीबियों का नाम इस रेस में सबसे ज्यादा आगे है और हटाए जा सकते हैं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल। शब्बीर अहमद ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। शब्बीर, जिस तरीके से खबरें छन छन कर निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस के प्रभारी हटाए जा सकते हैं, इसमें कितनी सत्यता, इसकी इनसाइड स्टोरी एक बार दर्शकों को आप डिटेल से बताइए। बिल्कुल दीपिका, बात की जाए तो इसकी स्क्रिप्ट ये कह सकते हैं करीब एक महीने पहले ही लिख दी गई थी, जब कांग्रेस के संगठन प्रमुख केसी वेणुगोपाल भोपाल आए थे। और ये कह सकते हैं कि इस तरीके की बैठक कांग्रेस में पहले देखने को नहीं मिली थी कि दिल्ली से कोई बड़ा नेता आता है और मध्य प्रदेश कांग्रेस की बैठक में शामिल होता। और उस वक्त ये चीज़ें निकल कर सामने आई थी कि जेपी अग्रवाल और कमलनाथ के बीच में समन्वय नहीं बन पा रहा है, उनके बीच में कामकाज को लेकर पूरी तरीके से चीज़ें ठीक नहीं है। और इसकी वजह ये निकल कर सामने आई थी, दो महीने पहले भी एक चीज़ निकल कर सामने आई थी कि ग्वालियर चंबल को लेकर जेपी अग्रवाल की तरफ से एक प्लान तैयार किया गया था। उसमें ये कहा गया था कि जो कांग्रेस से रूठे नेता हैं या फिर वो दूसरी पार्टियों में चले गए, उनको वापस लाने का प्रयास किया जाएगा और वो घर घर जाएंगे। लेकिन अचानक से वो पूरा कार्यक्रम डिजाइन होने के बाद कैंसिल किया गया था। और इस चीज़ पे ये निकल कर सामने आया था, इसको कमलनाथ की हरी झंडी नहीं मिली थी इस कार्यक्रम के। और उसके बाद से चीज़ें सुधरने की जगह लगातार बिगड़ती जा रही थी। और इन सब के बीच दीपिका, हम पिछले 3-4 महीने की बात की जाए तो जेपी अग्रवाल ने मध्य प्रदेश के दौरे की बात की जाए तो बिल्कुल भी कम कर दिया है। 4 महीने मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव बचे हैं, दौरे और तेज करना चाहिए। तो दौरे जब बनाए गए थे करीब एक साल पहले तो काफी तेज किए गए थे। हफ्ते में दिल्ली से वो भोपाल आते थे, लगातार बैठकें करते थे, नेताओं से मुलाकात करते थे, नेताओं के घर घर जाते थे, कार्यकर्ताओं के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के भी घर घर जाते थे, वहाँ चाय नाश्ता करते नजर आते थे। लेकिन अचानक से सब कुछ बंद हो गया और उसी के बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर ये क्या ऑल इज वेल नहीं चल रहा है दोनों नेताओं के बीच में। और ये शब्बीर, अगर ऑल इज वेल नहीं चल रहा है, पिछले 4 महीनों से ये तस्वीरें निकल कर सामने आ रही, तो उस समय ही ये फैसला क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि अब टाइम कम बचा है। बिल्कुल दीपिका, कांग्रेस के अंदर सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि एक तरफ तो वो कहती है कि हम जल्द से जल्द प्रत्याशियों का ऐलान कर देंगे और हमारे अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल है कि 4 महीने पहले से दोनों के बीच में राजनीतिक पटरी नहीं बैठ रही थी तो हटाया क्यों नहीं गया। और अब चुनाव के करीब सिर्फ 4 महीने बचे हैं और उस वक्त हटाने की तैयारी की जा रही है। अब जो दो नेताओं के सामने आ रहे हैं, नाम सामने आ रहे हैं दीपिका, वो दोनों के दोनों राहुल गांधी के भी करीबी बताए जा रहे हैं, युवा हैं, और इसके साथ साथ कमलनाथ से भी उनका अच्छा समन्वय है। और जो हमारे पास जानकारी, उसमें से एक पहले से ही महासचिव है और एक और को जिम्मेदारी दी जा सकती है अगर मध्य प्रदेश की मिलती है। और इन सब के बीच एक जानकारी और दे दे, जब जेपी अग्रवाल को जिम्मेदारी मिली थी एक साल पहले तो मुकुल वासनिक की जगह उनको दी गई थी। और जिम्मेदारी इसलिए उनको दी गई थी कि प्रदेश के दौरे मुकुल वासनिक कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि दिल्ली में उनके पास संगठन की कई जिम्मेदारियां थे, इसके कारण मध्य प्रदेश के दौरे नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब जेपी अग्रवाल को जिम्मेदारी दी गई तो लेकिन बताइए के नाम इस रेस में शामिल है। देखिए, जो नेताओं के नाम शामिल है, वो एक नेता जो है वो राजस्थान के बताए जा रहे हैं और वो जो इलाका बताया जा रहा है वो दिल्ली से सटता है, वो उस इलाके के बताए जा रहे हैं कि ये युवा नेता है और उनके पास दूसरे
प्रदेशों की भी अभी इस फिलहाल की बात की जाए तो दूसरे प्रदेश की भी प्रभारियों की जिम्मेदारी है। एक नेता का नाम शामिल सामने नहीं आ पा रहा है दीपिका, जिनके बारे में जिनको महासचिव बनाया जा सकता, प्रमोट किया जा सकता है, जो अभी राष्ट्रीय सचिव हैं। कांग्रेस के अंदर ये देखने को मिलता है, पहले राष्ट्रीय सचिव बनाया जाता है, फिर उसके साथ साथ उसको साफ प्रभारी की प्रदेश की जिम्मेदारी। लेकिन जिसको भी ये जिम्मेदारी मिलेगी ये कांटो भरा ताज होगा, क्योंकि चुनाव के लिए बहुत कम टाइम बचा हुआ है, इसलिए चुनौती भी बड़ी है। फिलहाल विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए शब्बीर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।